हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको ये बताया है कि हमें अपने स्लीपिंग शेड्यूल यानी कि सोने की प्रक्रिया और उसके समय को अच्छे तरीके से सेट करना चाहिए, ताकि आप अपनी नींद को तो पूरा करें ही बल्कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी योगदान दे सके। दोस्तों, अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो उसकी वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम सही तरीके से नहीं सो पाते हैं तो जब हम नेक्स्ट डे उठते हैं तब भी हमारी आंखों में काफी नींद होती है, जिसकी वजह से ना ही हमारा मन काम में लगता है और ना ही हमारी बॉडी एक जगह स्थिर रह पाती है। रह रहकर हमें बार बार नींद की झपकियां आती रहती हैं और उसी चक्कर में हमारा पूरा शेड्यूल बेकार हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने सोने के शेड्यूल को ठीक करना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को पूरे दिन के अंदर कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका माइंड डाइवर्ट होता है। अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तो तनाव को कम करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप अपनी नींद को पूरा नहीं करते हैं तो ये आपके एचएएच हार्मोन्स को भी काफी ज्यादा कम कर देती है, जिसकी वजह से आपकी हाइट काफी ज्यादा रुक जाती है और इसी के कारणवश एक एज के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाइट अच्छे तरीके से ग्रो कर सके तो आपको कम से भी कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। सो दोस्तों, देखा आपने, हर काम करने के साथ साथ सोना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए अपने स्लीपिंग शेड्यूल को हमेशा सेट करके रखिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।